हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, नीड ए रेगुलेटर लाइक सेबी फॉर एआई। तो सेबी किसका रेगुलेटर है आपके? स्टॉक एक्सचेंजेस का। तो वैसे ही हमारे लिए एक रेगुलेटर चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये चीज़ बोली जा रही है, इंडिया विल मूव नॉर्म्स, इंडिया विल इवॉल्व नॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एआई रेगुलेटर कुड फंक्शन लाइक फाइनेंशियल रेगुलेटर सेबी। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल पीएम ईएसी मेंबर संजीव सन्याल सेड ऑन थर्सडे। तो इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जैसे फाइनेंशियल, आपका फाइनेंशियल मार्केट के लिए फाइनेंशियल रेगुलेटर है सेबी, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रेगुलेटर हमें चाहिए। स्टेटिंग दैट द मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग एंड ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन इज अनलाइकली टू वर्क इन एआई स्पेस। मिस्टर सन्याल सजेस्टेड दैट इंडिया कुड थिंक ऑफ हैविंग अ रेगुलेटर स्टैंड इन प्लेस अटेंशन टू हैविंग। यू नीड टू क्रिएट द इक्विवेलेंट ऑफ सेबी फॉर द एआई सिस्टम। यू नीड अ रेगुलेटर हु अंडरस्टैंड्स द टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टाइम प्रेडिक्टिंग वेयर इट विल गो बेस्ड ऑन हाउ इट इज इवॉल्विंग। फॉर एन एआई अ सिस्टम हैज टू पुट इन प्लेस यू नीड मैनुअल एडेड। यू नीड स्किन हेलो सॉरी एक्सेंट है। यू क्रिएट स्किन इन द गेम, यू हैव टू इन्फोर्स रेगुलेटर रेगुलर ऑडिट्स। जस्ट लाइक यू नीड टू एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल एंड अकाउंट्स, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट एआई इज डूइंग। तो सेम चीज़ इन्होंने बोला, जो सेबी का काम है अकाउंटेबिलिटी ये सब रखते हैं कंपनीज के ऊपर, सेम चीज़ एआई के साथ किया जाए और ये प्रिडिक्ट ना किया जाए वो क्या कहाँ इवॉल्व होगा। जबकि बीच में इस पर स्पीड ब्रेकर लगा के उसको स्टार्टिंग से ही रेगुलेट किया जाए तो वो ऐसा कोई बड़ा रूप ले ही नहीं पाएगा। मिशनियल सेड ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैव पैरेलल्स इन फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड दिस कैन बी अप्लाई टू एआई इवोल्यूशन एंड अकॉर्डिंगली रेगुलेटेड। सेम चीज, सारी चीज आपके फाइनेंशियल मार्केट में है तो वैसे ही इसको भी रेगुलेट किया जाए। आस्क हाउ सून द रेगुलेशन कुड कम इन फोर्स ही सेड, इट यानी रेगुलेटरी नॉर्म्स विल इवॉल्व, इट विल हैपन रिजनेबली फास्ट। तो अब तो इसको फास्ट करना भी जरूरी हो भी गया है। वंस वी बिगिन टू थिंक अलॉन्ग दोज लाइन्स वी विल नीड गुड प्रोटोकॉल ऑन डेवलपिंग ए आई रेगुलेशन ही सेड, एडिंग दैट मोर सेंसिबल पीपल नाउ फील दैट सम रेगुलेशन फॉर ए आई इज नीडेड। बिल्कुल जरूरी है। जैसे हमने अभी रश्मिका मंदाना का वीडियो देखा था, ब्लैक ड्रेस वाला, तो वो रश्मिका मंदाना नहीं थी, वो कोई और थी। तो वो किसी के साथ भी हो सकता है और वो हुआ था आपका ए आई से, डीप फेक टेक्नोलॉजी से। इसीलिए एआई रेगुलेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी के साथ ऐसी गलत चीज़ें ना हो और उसका आप अगर समझ पा रहे हैं बहुत गलत यूज़ हो सकता है फ्यूचर। तो यही तो, और सेम आर्टिकल आप देखिए एआई के ऊपर, आपका सेंटर विल सून इशू रेगुलेशंस टू टैकल डीप फेक्स, ऐसे आईटी मिनिस्ट्री भी बोली है। तो देखते हैं क्या है, सेम आर्टिकल है, सेम कंसेप्ट है इनका। यूनियन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव थर्सडे सेड द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट रेगुलेशंस टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डीप फेक्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टर्मिंग दैट अ न्यू थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी के लिए नया थ्रेट है। आफ्टर चेयरिंग अ मीटिंग विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई कंपनीज एंड इंडस्ट्री बॉडीज, वैष्णव सेड द गवर्नमेंट विल कम अप विथ अ क्लियर एक्शनेबल प्लान टू टैकल डीप फेक्स एंड मिनिस्टर फॉर्मेशन इन नेक्स्ट 10 डेज। ही सेड दैट द प्लान विल हैव फोर की पिलर्स होंगे, डिटेक्शन ऑफ डीप फेक्स, देयर प्रिवेंशन बाय रिमूविंग ऑफ रिडक्शन, देयर प्रिवेंशन बाय रिमूविंग रिडक्शंस, देयर वायरलिटी कितना वायरल हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग अबाउट द टेक्नोलॉजी अमंग द पीपल्स। तो ये इसके 4 पिलर्स होंगे। आप देखिए, द मिनिस्टर हैज समन सोशल मीडिया कंपनीज आफ्टर अ डीप फेक ऑफ एक्टर रश्मिका मंदाना। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। डीप फेक ऑफ रश्मिका मंदाना वॉज शेयर वाइडली ऑन सोशल मीडिया। अ डीप फेक इज अ वीडियो ऑफ अ पर्सन इन विच द फेस और बॉडी हैज बीन डिजिटली ऑल्टर्ड सो दैट शी ही और शी अपियर टू बी समवन एल्स। तो आपका बॉडी या फेस
इसको अल्टर कर दिया जाता है। दिस इज टिपिकली यूज टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए यूज होता है। द मीटिंग हाईलाइटेड दैट द नीड ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेशन फॉर डीप फेक, वैष्णव सेड ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग थर्सडे। द न्यू लेजिस्लेशन कुड बी रिलीज टू अ न्यू लॉ, न्यू रूल्स और अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग रूल्स, वैष्णव सेड, एडिंग दैट ऑल सोशल मीडिया कंपनीज एग्रीड दैट लेबलिंग एंड वाटर वाटर मेकिंग और डीप फेक्स वर नेसेसरी। वी विल हैव आर नेक्स्ट मीटिंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर, दैट विल बी इन फॉलो अप एक्शन ऑन टूडेज डिसीजन एंड ऑल्सो ऑन वॉट शुड बी इंक्लूडेड इन ड्राफ्ट रेगुलेशन, वैष्णव एडेड। लास्ट फ्राइडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ AI वर्क्स एज इट कुड यूज टू क्रिएट डीप फेक्स टू पर्पजफुली स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन और हैव मेलिशियस इंटेंट बिहाइंड देयर यूज। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो वर्क विद अदर कंट्रीज एंड जियोग्राफीज टू इंश्योर दैट देर इज अ ग्लोबल कोलेबरेटिव एफर्ट टू कॉम्बैट सच कंटेंट, वैष्णव सेड। वी आर सिंक्रोनाइजिंग विद अदर जियोग्राफीज वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम वॉट अदर्स हैव डन एंड वी कैन ऑल्सो शेयर वॉट आर एक्सपीरियंसेस आर। देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्ट बायस इन AI जनरेटेड एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स विच आर देयर, सो द बायस ऑल्सो नीडेड टू बी टैकल्ड। तो ये बायस को भी इन्होंने बोला है टैकल करने के लिए। सेवरल डीपफेक्स वीडियोज आर टारगेटिंग लीडिंग एक्टर्स have been shared by on social media platform in recent past, raising concerns over the use of technology for narratives. Okay, advertisements and sponsor posts on social media have been to contain deep fakes of personalities such as Shahrukh Khan, Virat Kohli and Akshay Kumar. While Khan is seen in deep fake video of game called Aviator, Kohli deep fake video is in promoting a betting game. तो ये चीज़ आप देखिए, यही हो रहा है AI का यूज़। और इसमें हम लोग अगर देखें हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए इसमें नहीं, इसी पे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह है अपने पे लिखने का। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकंड आप देखिए डीप फेक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड आप देखिए हमारे लिए जैसे हम लोग बोल रहे हैं सेबी है शेयर मार्केट के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक बॉडी होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इसको रेगुलेट करे। और काफ़ी डीप फेक के यूजेस हो जा रहे हैं। रश्मिका मंदना का रिसेंट एग्जांपल है, वो वीडियो सबने ही देखा है एक तरीके से, और वो रश्मिका मंदना जी है नहीं। तो ये चीज़ तो फॉल्स नैरेटिव, ठीक है, ये सब है। दिस इज द लेटेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, साफ बोला जा रहा है। और फोर पिलर होंगे इसमें, हमने देखे ये जो बनेगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये जो लॉ बनेगा इसके चार पिलर होंगे। आप देखिए क्या, डिटेंशन ऑफ डीप फेक्स, प्रिवेंशन रिमूविंग, स्ट्रेंथनिंग रिपोर्टिंग और स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये सारे इसके फोर पिलर्स होंगे। बस